हेलो एवरीवन, आज की टॉप 5 न्यूज इस प्रकार है। सबसे पहली न्यूज है, इंडिया सेलिब्रेटेड 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री पीवी नरसिम्हा राव। सो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की 100th बर्थ एनिवर्सरी थी, इस पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी उनको ट्रिब्यूट दिया, उनके अनेक कामों की सराहना करी और उन्हें एक रिमार्केबल, नॉलेजेबल एंड इंटेलेक्चुअल आदमी बताया। इसी प्रकार उनके अनेक काम हैं जो एक भारत भारत की प्रगति में एक बहुत बड़ी मिसाल है, जैसे कि 1999 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और उसी प्रकार जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है अंडर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके बाद जो आज की दूसरी न्यूज़ है वो है, इंडिया टू बिकम आत्मनिर्भर इन फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स। सो आज तक जो हम फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं खेती और उपज को बढ़ाने के लिए, उसमें बेसिकली फॉस्फेट को यूज़ किया जाता है और इसमें हमें फॉस्फेट रॉक की आवश्यकता होती है। इसमें जो फॉस्फेट रॉक है उसको एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है डायमोनियम फॉस्फेट में, जिसे हम DAP भी लिखते हैं शॉर्ट में, और दूसरा है NPK, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम फर्टिलाइजर्स। अभी तक हमारा जो आयात और इम्पोर्ट है वो 90% डिपेंड करता है इसी पे, क्योंकि हमारे पास इसकी उपलब्धता की कमी है। अभी जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर है, इसने एक्शन प्लान तैयार किया है इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मिलकर, जिससे हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है, सेंटर अनाउंसेस स्टिमुलस पैकेज ऑफ ₹6,28,993 करोड़ टू बूस्ट इकोनॉमी। लास्ट ईयर हमने देखा था एक स्टिमुलस इकोनॉमिक पैकेज के अनाउंसमेंट की थी, उसी प्रकार इस साल भी एक स्टिमुलस पैकेज के अनाउंसमेंट किए हमारे वित्त मंत्री द्वारा। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न स्कीम्स की अनाउंसमेंट की गई है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ₹1.1 लाख करोड़ लोन गारंटी स्कीम फॉर कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स, 50,000 करोड़ फॉर हेल्थ सेक्टर, और ऐसे ही एक्सटेंशन ऑफ आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना फ्रॉम 30th जून 2021 टू 31st ऑफ मार्च 2022। ठीक है, इसी प्रकार जो मैंने अभी बताया कि पिछले साल भी हमने एक स्टिमुलस पैकेज के अनाउंसमेंट करी थी। इसके बाद जो न्यूज़ है वो है, राजनाथ सिंह इनॉग्रेट 63 ब्रिजेस बिल्ड बाय BRO इन 8 स्टेट्स। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं वो जम्मू कश्मीर की यात्रा पे हैं, अपनी यात्रा के दूसरे दिन उन्होंने 63 ब्रिजों का इनॉग्रेशन करा। जो ये ब्रिजेस हैं ये क्लास 70 ब्रिजेस हैं और ये हमारे BRO द्वारा बनाए गए हैं। इन ब्रिजों को विभिन्न ऊँचाइयों पर बनाया गया है और उनमें से एक है जो 50 मीटर की हाइट पे कुंजन 11,800 फीट की हाइट पे बनाया गया है, जिसकी लंबाई है 50 मीटर कुंजन ब्रिज, और ये अक्रॉस बनाया गया है इंडस्ट्री पर लेह लोमा रोड पर। और उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है, इंडियाज राइस सनोबा ट्विंस गोल्ड इन वेमेंस 25 मीटर पिस्टल इवेंट। सो जो हमारी देश की शूटर राही सनोबत है, उन्होंने जो ISSF वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल प्राप्त करा। इसी में हमारे देश की मनु भाकर भी फाइनल्स तक पहुंची थी और उन्होंने 7वां स्थान हासिल किया था। ये थी आज की टॉप 5 न्यूज़। इसी प्रकार फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।